बिफोर द रेन एक इंडियन ब्रिटिश ड्रामा है। ये कहानी एक ऐसे प्यार की दास्तां है जो खुद तो प्यार में बर्बाद होता ही है, इसकी चपेट में उन सबको ले लेता है जिनका इससे कोई सीधा वास्ता भी नहीं है। कई जिंदगियां बदल जाती हैं, हमेशा के लिए सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत की आज़ादी से 10 साल पहले अंग्रेजों की मद्रास प्रेसिडेंसी में केरल भी एक हिस्सा था। केरल का ये छोटा सा गांव भारत के दूसरे इलाके पंजाब और उत्तर की उथल पुथल से एकदम अलग था। यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ कोई खास बगावत नहीं थी। ऊपर से केरल का मौसम चाय और मसालों की खेती के लिए एकदम उपयुक्त था। ऐसे में एक अंग्रेज व्यापारी मिस्टर हेनरी मूर की नज़र यहाँ के खास उपजाऊ इलाके में गड़ी हुई थी। मूर को यहाँ रहने का लंबा अनुभव था, शायद पहले ब्रिटिश हुकूमत का कोई बड़ा अधिकारी रह चुका है। उसे शादी के बाद अपने ससुर से बहुत कुछ मिला है, लेकिन अब बारी उसकी है कि वो उसे ये साबित कर सके कि उसकी बेटी ने उससे शादी करके कोई गलती नहीं की है। मूर ने बैंक से एक बड़ा लोन लिया है ताकि अपने फार्म तक पक्की सड़क बनवा सके। सब कुछ अच्छा है, उम्मीद है कि बारिश से पहले तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, फिर पैसे बरसेंगे। हेनरी मूर पहाड़ी के ऊपर बने एक बड़े से फार्म हाउस में रहता है। उसकी पत्नी लौरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में रहते हैं, कभी कभी छुट्टियों में यहाँ आया जाया करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मूर को अकेलापन नहीं सताता है, वो पूरा वक्त काम में व्यस्त रहता है। अपनी सेवा के लिए उसने गांव के ही एक पढ़े लिखे आदमी नीलन को काम पर लगा रखा है, जो लगभग पूरे समय मूर के साथ रहता है। उसके घर में काम करने वाली महिला सजनी भी खास है, वो मूर की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। काफ़ी समय से साथ रहते रहते उनमें नज़दीकी आ चुकी है। मूर भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है और एक दिन उसे अपने साथ यहाँ से दूर ले जाएगा। मूर और सजनी अक्सर जंगल में समय गुजारने जाया करते हैं। जब भी मूर फार्म हाउस से निकलता है, गाड़ी में सजनी को छुपा देता है ताकि कोई देख ना ले, और जब रास्ता सुनसान हो जाता है वे बेफिक्री से करीब आते हैं। एक दिन जब वे शहद इकट्ठा करने के बहाने जंगल में साथ थे, कुछ बच्चों ने उन्हें एक दूसरे से लिपटते देख लिया, पर ठीक से नहीं देख पाए कि वो आदमी कौन था। उस दिन फार्म लौटते लौटते काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा घिर आया था, इसलिए मिस्टर मूर ने नीलन को उसे गांव तक छोड़ने का आदेश दिया। नीलन और सजनी बचपन के दोस्त हैं। नीलन जानता है कि मूर और सजनी के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, इसलिए इशारों में उसे इन सब से दूर रहने की सलाह देता है। सजनी असल में उसके जिगरी दोस्त मानस की बड़ी बहन है और हाल ही में उसकी शादी गांव के एक आदमी से हुई है। उस शाम जब नीलन सजनी को उसके घर तक छोड़ने आता है, देखता है कि उसका पति देर से आने की वजह से सजनी से नाराज है, उसे डांट रहा है और गालियां बक रहा है। तभी कहीं से उसका बचपन का दोस्त मानस आ जाता है। वह अक्सर खाना खाने अपनी बहन के घर आया करता है। घर के बाहर मानस से दोस्ताना नोकझोंक के दौरान उसने नीलन की अंग्रेजी रिवाल्वर देख ली। तब नीलन बतलाता है कि ये उसके साहब ने दिया है। नीलन का पिता गांव के पंचायत का एक पंच है, बड़ा इज्जतदार आदमी है और अंग्रेजों की खिलाफत करता है, लेकिन अपने बेटे नीलन का अंग्रेजी हेनरी मूर की चाकरी करने से दुखी रहता है। लेकिन नीलन ठहरा अलग ख्यालों वाला। उसका मानना है कि अंग्रेजों के आने से गांव में तरक्की आई है, नहीं तो वे सदियों से ऐसे ही रहते आए थे। कुछ भी कहाँ बदला था, अब इमारतें हैं, स्कूल और हॉस्पिटल हैं, साथ में सड़क बनने से गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। पर नीलन के पिता का मानना है कि वे अंग्रेजों की मदद के बिना युगों से यहाँ जीते आए हैं, आज तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई है। खैर, नीलन के पिता की गलती इतनी भर है कि उसने नीलन को बचपन में अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया था। केरल जो कि पहले शांत था, अब यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ छोटी मोटी बगावतें शुरू होने लगी हैं। बचपन में नीलन जिस स्कूल में पढ़ा करता था, उसके हेडमास्टर को स्कूल से निकाल दिया गया है। अब वो एक बागी है और सत्याग्रह में शामिल हो चुका है। जब वो मास्टर नीलन को मूर की चाकरी करते देखता है, उसे गुलामी छोड़कर उसके आंदोलन में शामिल होने की सलाह देता है। पर नीलन जैसे इसी में खुश है, कहता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, अंग्रेजों के साथ आपसी सहयोग से ही खुशहाली आएगी। लेकिन मास्टर कहता है कि सहयोग दो बराबर वालों के बीच में होता है। क्या तुम्हारे साहब तुम्हें खुद के बराबर समझते हैं? क्या हम चलकर पूछें उनसे? लेकिन चाहे जो भी हो,
नीलन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। उसकी जिंदगी अपने साहब की चाकरी में ही बेहतर कट रही है। जल्दी ही सड़क के काम का उद्घाटन होने वाला है। मूर ने बड़ा आयोजन कराया है। इसमें शामिल होने के लिए उसने अपनी पत्नी और बेटे को इंग्लैंड से बुलावा भेजा। अब जब मूर की पत्नी और बच्चा घर में है, मूर सजनी की तरफ देखता भी नहीं है। लगता है कि उससे नजरें चुरा रहा है। जाहिर है कि उसने सजनी से केवल बड़ी बड़ी बातें की थी, कोई प्यार व्यार नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद वो अकेले में सजनी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। बेचारी सजनी ने उसके चक्कर में अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत और सब कुछ दांव पर लगा दिया है। पर ऐसा लगता है जैसे मूर केवल उसका फायदा उठा रहा है। उसका प्यार केवल बातों का है। अगर उसे अपना कुछ भी दांव पर लगाना पड़े तो वो पीछे हट जाएगा। पर भोली भाली सजनी तो मूर के प्यार में पागल है। वो सब कुछ देखते हुए अंधी हो चुकी है। खैर, जो भी हो, जल्दी ही सड़क के काम का उद्घाटन हो जाता है। फिर काम जोरों से चलने लगता है। अगर कोई मुसीबत ना आए तो लगता है मानसून आने से पहले ही काम पूरा हो जाएगा। पर आज जब सजनी घर वापस लौटती है, उसका पति उससे पूछता है कि वो जंगल में क्यों गई थी। पर वो इस बात से मुकर जाती है, कहती है कि वो जंगल गई ही नहीं थी, लेकिन उन बच्चों ने सजनी को साफ साफ देखा था। तब वो किसी आदमी के साथ थी। सजनी के मुकरने पर उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है। जानना चाहता है कि उसका आशिक आखिर कौन है। उस शाम मिस्टर मूर ने अपने घर बैंक के एक अधिकारी को दावत में बुला रखा था, ताकि अपने काम के प्रोग्रेस के बारे में उसे यकीन दिला सके। पर अचानक उसके फार्म हाउस के कुत्ते बहुत भौंकने लगते हैं। जब मूर ये चेक करने जाता है, देखता है कि गेट के पास सजनी जख्मी हालत में पड़ी है। वो अपने पति से बचते हुए यहाँ भाग आई थी, पर मूर उसे अपने घर नहीं ले जा सकता है। घर में उसकी पत्नी और बच्चा है, साथ में बैंक का अधिकारी भी है। इसलिए आउट हाउस में रहने वाले नीलन के कमरे में ले जाता है। यहाँ सजनी उन्हें बतलाती है कि उसके पति को शक हो चुका है, पर उसने मूर का नाम नहीं लिया। चलो, ये तो मूर के लिए सुकून की बात थी, लेकिन अगर उसका पति सजनी को ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नीलन को लगता है कि अब तो गांव में पंचायत बैठेगी। सजनी से उसके गुप्त आशिक के बारे में पूछा जाएगा। अगर पंचायत को यकीन हो गया कि सजनी के अवैध संबंध हैं और मिस्टर मूर उसका आशिक है, तो गांव वाले सजनी को तो मारेंगे ही। यहाँ आकर साथ में हम सबको मार डालेंगे। इसलिए सबके लिए यही अच्छा होगा कि सजनी को यहाँ से दूर भेज दिया जाए। सजनी भी जानती है कि पंचायत अवैध प्रेम की क्या सजा देती है। कुछ समय पहले पंचायत ने एक महिला को उसके बालों समेत बांधकर पेड़ पर लटका दिया था। तड़प तड़प कर उसकी वहीं मौत हो गई थी। तब मूर सजनी से कहता है कि वे उसे छुपा देंगे, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वो कमरे के बाहर जाकर नीलन को पैसे देता है, कहता है कि उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। लेकिन आखिर नीलन उसे लेकर जाएगा कहाँ और कहाँ भेजेगा? कहता है कि वो एक औरत है, कहाँ जाएगी बेचारी। पर मूर ने तो उससे पल्ला झाड़ने का जैसे ठान ही लिया है। मूर ने सजनी को झूठी दिलासा दी और वहाँ से भेज दिया। रातों रात नीलन उसे नदी के पास ले गया, जहाँ से वो उसे गांव के बाहर भेजना चाहता है। यहाँ पहुँचने पर जब नीलन ने सजनी को बताया कि उसे शहर जाना होगा, मूर ने वहाँ भेजने के लिए उसे पैसे दिए हैं। यहाँ मिस्टर मूर उसके साथ नहीं आने वाले हैं। तब बेचारी सजनी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने खुद से पल्ला झाड़ लिए जाने के बारे में सोचा ही नहीं था। इसलिए नीलन से कहती है कि इसमें जरूर उसी की कोई साजिश है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? तब नीलन कहता है कि अगर वो रुकना चाहती है तो वो उसे सीधे पंचायत ले जाएगा। यही सही होगा, उसका फैसला पंचायत ही करें। आखिरकार सजनी भारी मन से वहाँ से चली जाती है। पर अब भी उसे नीलन की बातों पर यकीन नहीं है कि मूर यहाँ से उसे अकेले भेजना चाहता है। जब कुछ दिनों तक सजनी अपने घर नहीं गई तो उसका भाई मानस उसे ढूंढते हुए फार्म तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ मूर और नीलन ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वे इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। खैर, सब कुछ सिधाई से निपट गया। अब तक कोई खास मुसीबत नहीं हुई है। लगता है मामला सलट गया। सड़क का काम भी जोरों पर है। कुछ दिन में ही मामला ठंडा पड़ जाएगा, सब इसी में व्यस्त हो जाएंगे। पर एक रात अचानक सजनी वापस लौट आती है। वो सबसे छुपते छुपाते यहाँ आई है, किसी ने उसे यहाँ आते नहीं देखा। वो नीलन के आउट हाउस में है। जब मूर यहाँ आता है, वो सजनी को सब साफ साफ कह देता है। वो कहता है कि नीलन ने उसी के कहने पर उसे यहाँ से दूर भेजा था। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया
तो सबकी जान पर आफत आ जाएगी। वो सजनी से कहता है कि उसे किसी भी हाल में यहाँ से जाना होगा। वो वादा करता है कि उसका ख्याल रखेगा, उसे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देगा। तब सजनी पूछती है कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है। तब मूर कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। सजनी को इस बात से इतना झटका लगा कि वो बगल में रखे नीलन के पिस्टल से खुद को गोली मार लेती है। गोली दिल के पास लगी थी, इसलिए थोड़ी देर में ही सजनी की मौत हो जाती है। अब तो मामला पूरी तरह से बिगड़ गया है। नीलन बेचारा क्या करता, उन दोनों के लफड़े में बुरी तरह फंस गया है। मालिक से वफादारी भी निभानी है, इसलिए उसके साथ जंगल में जाकर सजनी की लाश को पत्थर में बांधकर नदी में डालने में मूर की मदद करता है। पर उसे सजनी के जाने का बड़ा अफसोस है, अंदर से बड़ा पछतावा है। लेकिन वे दोनों अगला दिन ऐसे शुरू करते हैं जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन सजनी का भाई मानस वहाँ आ जाता है और गांव वालों से अपनी बहन को ढूंढने में मदद मांगता है। हालांकि नीलन और मूर जानते हैं कि सजनी अब नहीं मिलेगी, लेकिन भी मजदूरों को जाने देते हैं। कई दिनों तक ढूंढने और पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद उन्हें सजनी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे मजदूर भी सड़क के काम पर वापस लौटने लगते हैं। फिर समय के साथ सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है, लेकिन नदी भी कब तक ये राज दबा कर रखती। आखिर लाश पानी से बाहर आ ही जाती है। पुलिस ने उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। अब तो ये पुख्ता हो चुका है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है, वो भी किसी देसी कट्टे से नहीं, बल्कि इसमें इंग्लिश रिवाल्वर का इस्तेमाल किया गया है। कुछ दिन बाद जब उसका पति सजनी का बचा खुचा सामान लेने मूर के फार्म हाउस पहुँचता है और फार्म हाउस की तलाशी लेने की कोशिश करता है, यहाँ उसे कई रिवाल्वर दिखते हैं। उसका शक तो सीधे मूर पर ही है। आखिर सजनी को कौन मार सकता है, भला किससे उसकी दुश्मनी हो सकती है। वो तो सारा वक्त यहीं बिताया करती थी, हो ना हो उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सब यहीं हुआ हो। अब धीरे धीरे गांव में ये गॉसिप भी फैलने लगी है। बैंक का अधिकारी भी इस डर में है कि कहीं गांव में किसी तरह की कोई बगावत शुरू ना हो जाए। अगर मूर का काम रुक गया तो बैंक के पैसे भी डूबेंगे। मूर को जल्दी से जल्दी अपना नाम इस मामले से बाहर लाना होगा, क्योंकि वो लड़की उसी के यहाँ काम करती थी और उसकी हत्या भी एक इंग्लिश रिवाल्वर से हुई है। बैंक का अधिकारी मूर को इशारों में कहता है कि उसने सुना है कि उसने अपने सहयोगी को अपनी एक रिवाल्वर गिफ्ट में दी थी। उसका इशारा साफ है कि वो इसमें बेचारे नीलन को फंसा दे और सारे झंझट से खुद बाहर आ जाए। नीलन के फंसाए जाने से ये एक लोकल मुद्दा बन जाएगा, इससे उनके प्रोजेक्ट पर मंडरा रहा खतरा अपने आप टल जाएगा। आखिरकार सजनी का पति गांव वालों के साथ नीलन के कमरे में छापा मारता है। उन्हें उस रिवाल्वर के बारे में पता चल गया है जो मूर ने कभी नीलन को दी थी, और एक दफे उसने इसे सजनी के भाई मानस को भी दिखाया था। अब तो सीधा शक नीलन पर ही है। उसे पकड़कर पंचायत में पेश किया जाता है। अगर उस पर लगाए गए आरोप सब सच पाए गए तो उसे जान से मार दिया जाएगा, लेकिन अगर वो सच कबूल लेता है तो उसे जीने का एक मौका दिया जाएगा। पर बार बार पूछने पर भी कि क्या उसी ने सजनी को मारा है, वो हर बार इससे मुकर जाता है। जब उससे रिवाल्वर के बारे में पूछा जाता है तब वो कहता है कि उसने इसे बेच दिया था, लेकिन सजनी के पति को उसके कमरे की तलाशी के दौरान रिवाल्वर वहीं मिला था। यानी नीलन सब सच नहीं बतला रहा है, फिर भी वो बार बार सजनी की हत्या और उसके साथ अफेयर की बात को नकारता रहता है। अब केवल एक ही उपाय है, उसे कमादन नाम के तांत्रिक के पास ले जाना होगा। वो अपने तंत्र मंत्र के परीक्षण से सच का पता लगा लेता है। अगर परीक्षण में नीलन झूठा निकला तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। पर नीलन सच बोल रहा था, उसने सजनी को नहीं मारा है, वो कमादन की परीक्षा में पास हो गया। अपने पिता के जोर देने पर आखिरकार उसने सच कबूल ही लिया और बतला दिया कि सजनी ने खुद को गोली मारी थी। पूछने पर कि क्या वो उसका छुपा हुआ आशिक है, वो अपने साहब हेनरी मूर का नाम लेता है। नीलन ने सब कुछ जानते हुए बात छुपाई थी, इसलिए पंचायत ने उसे जात से बाहर निकालने की सजा दी और एक शर्त रखी कि अगर वो इस गुनाह के दोषी मिस्टर मूर को जान से मार दे तो वो फिर से जात में शामिल हो सकता है। लेकिन नीलन के लिए ये काम बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ मूर ने अपने परिवार को खराब होते गाँव की हालत देख कर वापस इंग्लैंड भेज दिया। इधर नीलन और मानस ने योजना बनाकर मूर को जंगल के रास्ते में रोक लिया, पर मूर समझ जाता है कि वे उसे मारने के इरादे से यहाँ आए हैं, इसलिए अपनी जान बचाकर भागता है। पर जल्दी ही नीलन और मानस के हाथों पकड़ लिया जाता है। हेनरी मूर को मारने का काम नीलन का है, ऐसा करके वो गांव के प्रति अपनी वफादारी साबित करेगा।
उसने उसके सिर पर बंदूक तान दी है, पर आखिरकार गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मानस कहता है कि उसके खून में गुलामी रच बस गई है। नीलन ने मूर को वहां से जाने दिया और अपनी रिवाल्वर वहीं पर फेंक दी। इस सड़क को बारिश से पहले बनाया जाना था। ये मूर की जिंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट था, पर लगता है मानसून जल्दी शुरू हो गई है, अब ये अधूरी रहेगी। नीलन भी अब जात से बाहर है, गांव में उसके लिए कोई जगह नहीं रही, पर अब उसने अंग्रेजों की चाकरी छोड़ दी है और अपने मास्टर के आंदोलन में शामिल हो गया। बेचारी सजनी, जिसने प्यार के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, जिसके लिए उसने अपनी जान ले ली, वो आदमी असल में उसके प्यार के लायक ही नहीं था। उसने तो उससे पल्ला झाड़ लिया और बेकसूर नीलन को इस सब में फंसा दिया। मूर को तो असल में केवल अपने प्रोजेक्ट से मतलब था, पर वो भी अब अधूरा रह गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।